हमारे बीच बहुत ही धाकड़ नवयुक्त श्री सरविंदर सिंह मरवा जी पधार चुके हैं, जो हमारे जमपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और मरवा साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाए। श्री एमएल अनवानी साहब, इनको पहले आइटम दिखाना है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मरवा साहब आइटम देखेंगे हमारे एसोसिएशन की तरफ से। आज हम श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक नेक्स्ट आइटम, एक मेडली सॉन्ग, राजा राजा नाकत पत्ती पत्ती छड़ जावे पर खुशबू ना होवे। ये गीत आपने सुना ही होगा, पत्ती पत्ती छड़ जावे पर खुशबू ना होवे। यहाँ हर आर्टिस्ट ऐसा पैरों में थिरकन लाएगा, आपकी थड़कन दिल की बढ़ाएगा, तो पत्ती पत्ती छड़ती रहेगी, खुशबू खूब आती रहेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा सोचना है। आए हुए सभी उपस्थित जनों का मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। आइटम तैयार, राजा राजा जल्दी राख लगा रे
चले जाती पाए ना गुलाटी बचे वाए वाए कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, धमाकेदार आइटम होते रहेंगे। उससे पहले हम धमाकेदार लीडर साहब को इनवाइट करेंगे स्टेज पे। श्री सरविंदर सिंह मरवा साहब हमारे जंग प्रकोष्ठ के विधायक और दिल्ली सरकार में सेक्रेटरी के पद पे सुशोभित श्री सरविंदर सिंह मरवा हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करेंगे वो स्टेज पर आए। कटारी साहब आए, एमएल अरमानी साहब आए, जोरदार तालियों से मरवा साहब का स्वागत। इतने कर्मठ नेता हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्या कुछ नहीं किया, इतना कॉलोनी को ऊपर उठा दिया है कि एक बेस्ट कॉलोनी ऑफ द वर्ल्ड हो गई है, ना कि दिल्ली इंडिया की नहीं, सिर्फ वर्ल्ड की बेस्ट कॉलोनी हो रही है। हाँ, हमारा सिंधी नौजवान सभा की तरफ से जो मंदिर चल रहा है संत कवराम मंदिर, वो भी इन्हीं की कर्मठ आशीर्वाद से, इनके कर्मठ कर्मों से बच गया है टूटने से। हम इनका शुक्रगुजार है मरवा साहब के। इतना तक इन्होंने किया था, पुलिस फोर्स को भी पीछे हटा दिया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मंदिर के ऊपर चार बुलडोजर आके खड़े हुए थे और साथ में इतनी फोर्स करी थी कि अभी टूटा और अभी टूटा, लेकिन मारवा साहब ने आकर वहाँ पर कुर्सी डाल के बैठ गए। मेरे सामने की बात है, कुर्सी आके बैठ गए और उसने कोई जब तक नहीं गए जब तक वो बुलडोजर वहाँ से चले नहीं गए और साथ में साथ में जो पुलिस फोर्स आई थी वो भी सब चली गई। तो हम फिर भी इसके जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि इन्होंने हमारे उस मंदिर को लाल मंदिर को इन्होंने बचाया। ऐसे हैं मैम मरवा साहब हमारे इतने तगड़े, तो इनका श्री नाथ ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, वो भी आए हुए हैं हमारे बीच, अखिल भारतीय सिंधी महासभा के श्री सुरेश खत्री, उनको भी मैं ऊपर इनवाइट करूंगा। श्री महेंद्र सनपाल पप्पा जी, मेंबर एपीएमसी दिल्ली सरकार, श्री चंद्र बलवानी, श्री नंदलाल, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह स्टेज पर आ जाए और इस स्टेज में श्री मरवा साहब को सुशोभित करें। संग साथ आकर हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं, इन्हीं की बदौलत हम अपने कॉलोनी को धूप इतना निखारित कर सकते हैं, इतना सुशोभित कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए, महेश छाबड़िया जी से भी निवेदन करूंगा।
नारायण दास से रिक्वेस्ट करूंगा कि मारवा साहब का पाका डाल के शॉल डाल के उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां पब्लिक की ओर से इनका स्वागत। सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन इनका शुक्रगुजार कर रही है अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। जरा चंद शब्द आशीर्वाद के मरवा साहब हमें देंगे। आज आप लोगों को सबको झूलेलाल जी जो परमात्मा के रूप में इस धरती पे आए थे उनके जन्म दिवस पर मैं सबको जितना भी सिंधी समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है सबको मुबारकबाद देता हूँ और यही झूलेलाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की तरक्की हो, आप इसी तरह अपने धर्म के साथ जुड़े रहो और सिंधी समाज से गुरु नानक देव जी का भी बहुत ही गहरा संबंध था आप लोगों को मालूम है कि हम सब मिलकर अपने समाज की सेवा करें, धर्म की सेवा करें और इस देश की सेवा करें और दिल्ली की सेवा करें। यही कहता हुआ यहाँ पर जितने ही पदाधिकारीगण मुझे मालूम है हर